हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक नया वीडियो फिर से मैं लेकर के आया हूँ और यहाँ पर इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है कि एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की भर्ती नॉन कॉम्बेटेंट के पद पर कल निकाली गई है। इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है और फॉर्म भी कल से ही भरा जा रहा है। अब नॉन कॉम्बेटेंट आप सभी को पता है कि गैर लड़ाकू पद पर भर्ती होती है, जिसमें खाना बनाने से लेकर के सफाई कर्मचारी तक की सारी भर्तियाँ एयरफोर्स अपना खुद की भर्ती करके रखती है, ना कि किसी प्राइवेट संस्थान को या किसी प्राइवेट कंपनी को देती है, खुद की अपनी भर्ती करती है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि इस पूरे वीडियो में देखिए, मेरा एक पुराना वीडियो भी बना हुआ है मेरे चैनल पर, अगर आप देखेंगे ए टू जेड मैंने शुरू से लेकर के अंत तक इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर करके दिखाया हुआ है, कैसे कैसे आप फॉर्म को भरेंगे, उसके साथ कौन कौन सा आपको फॉर्म भेजना है, 18 साल से ऊपर वाले कौन सा फॉर्म भरेंगे, 18 साल से नीचे वाले कौन सा फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड को कैसे प्रिंट करवाना है, एडमिट कार्ड कैसे भरेंगे, फोटो कैसा होना चाहिए स्लेट वाला, ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और प्लस लिफाफा कैसा होना चाहिए, 10 रुपये का स्टाम्प टिकट कैसा होना चाहिए, ए टू जेड पूरी जानकारी इस पूरे वीडियो में दूंगा। तो देखिए, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि एड्रेस को लेकर के कि सर फॉर्म को कहाँ भेजेंगे, अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो कहाँ, बिना आधार कार्ड का हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ए टू जेड की जानकारी शुरू करते हैं। देखिए, नॉन कॉम्बेटेंट के पद पर भर्ती है, फॉर्म 16 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक भरा जाएगा। 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, 10 दिन का समय दिया गया था, एक दिन बीत चुका है, 9 दिन का समय बचा है और आज पोस्ट ऑफिस खुल चुका है। कल संडे था तो कल पोस्ट ऑफिस बंद था, तो 9 दिन का समय बचा है। जल्दी जल्दी फटाफट वीडियो देखिए और फटाफट फॉर्म को डाउनलोड कीजिए। नोटिफिकेशन वीडियो का जो नोटिफिकेशन लिंक, सॉरी फॉर्म का नोटिफिकेशन का जो लिंक है या फॉर्म का लिंक, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड कीजिए। फटाफट इसको भरिए और 25 तारीख से पहले पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर ड्रॉप बॉक्स जगह जगह बनाया गया है, वहाँ पर आप जा करके अपने से भी गिरा सकते हैं, डाल सकते हैं। बेसिकली दूर के कैंडिडेट हैं तो पोस्ट ऑफिस वाले ऑप्शन को ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ भेजना है। 10th पास पे भर्ती है, फॉर्म फी 0 रुपया, कोई फी वगैरह नहीं है, बस 10 रुपये का स्टाम्प पेपर खर्चा करना है और बाकी बाद आपका जो फॉर्म में प्रिंट आउट वगैरह कराएंगे, जीरोक्स कराएंगे, उतना ही खर्चा है। अब आगे समझ लीजिएगा, 2 पोस्ट है आपका, एक हॉस्पिटैलिटी है और एक हाउसकीपिंग है, 2 तरीके का पोस्ट निकला हुआ। अब इसमें 2 में किस किस टाइप का कौन कौन सा पोस्ट है, तो हॉस्पिटैलिटी में आपको खाना बनाना, मेस से रिलेटेड, वेटर वगैरह, मतलब खाना से जुड़ा हुआ सारा कामकाज आपको देखना ताकना है। दूसरा है हाउसकीपिंग का, हाउसकीपिंग में दर्जी, मोची, नाई, वॉचमैन, माली, ये सबके पद पर भर्ती निकाले गए। एक मेरा वीडियो बना हुआ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ए टू जेड मैंने उसमें भी बताया हुआ है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्या था ना इस वीडियो को बनाने का मकसद, डॉक्यूमेंट और एड्रेस भेजने को लेकर के, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। मैंने टोटल यहाँ पर 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट बनाया हुआ, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर टिक मारते चलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले फॉर्म, तो देखिए फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट पेज का फॉर्म है, ये पहला पेज है फॉर्म का, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये पहला पेज है फॉर्म का और ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको ये पहला फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, तो इसको आप टिक मार लीजिए, ओके भर गया। दूसरा है एडमिट कार्ड, देखिए एडमिट कार्ड वाला क्या है कि ये एडमिट कार्ड है आपका, ये देखिए ये एडमिट कार्ड आपको दिख रहा होगा, यही एडमिट कार्ड है, ये आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा एयरफोर्स आपको भेजेगी, इसमें आपका एग्ज़ाम डेट और किस जगह पे आपका एग्ज़ाम होगा वो सारा कुछ बताया जाएगा। तो मेन एग्ज़ाम को रिलेटेड भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, सर एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो एग्ज़ाम एयरफोर्स का जो भी सेंटर जहाँ बनाया जाएगा वहीं पर होगा, अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अपना फोटो वगैरह चिपका कर पे इस पर अपना क्रॉस साइन कर लीजिएगा, ये एडमिट कार्ड, ये ओके हो चुका है, ये आपके पास में है। तीसरा है डिक्लेरेशन, देखिए डिक्लेरेशन में 2 तरीके का डिक्लेरेशन बनाया गया है, एक अगर आप देखिएगा तो डिक्लेरेशन में एक देखिए 18 साल से कम वो एज वाला, यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट्स बिलो 18, 18 साल से कम वाला, तो इसको अगर आप 17.5 तक एज हो रहा है या 18 से कम है तो आप इसको एक अलग पेज में प्रिंट करवाइए या टाइप करवा करके इसको भरिएगा। इसमें आप अपना पापा का नाम, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर पापा का साइन रहेगा, यहाँ पर आपका साइन रहेगा, करवा लीजिएगा। और अगर 18 साल से ऊपर है तो ये वाला भराइएगा, सेकंड वाला, ये वाला नहीं भरना है आपको, सेकंड वाला, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर अपना साइन और यहाँ पर अपना डेट फॉर्म भेजने का, ये करवाइएगा। समझ में आ गया, 18 से ऊपर वाले के पास मेरे पास है एक ठो, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे ये देखिए, ये एक 18 साल से ऊपर का है, इस तरीके से आपको निकलवा लेना है,
ठीक है, और यहाँ पर अपना भार और लीजिएगा 18 साल से ऊपर वाले, ये हो गया आपका डिक्लेरेशन से रिलेटेड, दोनों नहीं भेजना है। अगर 18 साल से नीचे तब ये वाला भरिएगा, और अगर 18 से ऊपर है तब ये वाला भरिएगा, एक ही ठो कोई भी भेजना है। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए आधार कार्ड। जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट डालिएगा ना, तो उसमें ना आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। और देखिए सिग्नेचर जरूरी है, जैसे ये देखिए एक मान लीजिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इसी को आधार कार्ड मान लीजिए, नीचे में सेल्फ अटेस्टेड लिखिएगा और यहाँ पर अपना साइन कर लीजिएगा। इसी तरीके से आधार कार्ड भी हो। देखिए अभी सिक्योरिटी की वजह से मैं आधार कार्ड नहीं शो कर सकता हूँ, तो इस वजह से आप अपना आधार कार्ड डाल दीजिए। 10 रुपये का स्टाम्प आपको लेना है, जाइए पोस्ट ऑफिस में दौड़ करके, और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद देखिए 10 रुपये का ये लिफाफा है, ये लिफाफा 10 रुपये का, यहाँ पर देखिए डाक टिकट लगा हुआ है, ये जो लिफाफा है इस लिफाफा पे आपको अपना एड्रेस लिखना है और 10 रुपये का स्टाम्प चिपकाना है। यहाँ पर अपना स्टाम्प अपना लिखिएगा, अपना एड्रेस, इसी के अंदर जो एडमिट कार्ड दिखा है वो वाला इसी के अंदर डालना है, ठीक है। तो ये आप अपना देख लीजिएगा, तो ये आपका 10 रुपये का स्टाम्प पेपर कंप्लीट हो गया। अब दो लिफाफा लेना था, तो एक लिफाफा तो ये वाला हो गया जो आपको अपना काम आएगा, और एक मेन लिफाफा रहेगा जिसमें जहाँ पर भेजिएगा जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना, वो एड्रेस देखिए बोर्ड पे भी मैंने लिखा हुआ है, उसमें से कौन सा एड्रेस पे कहाँ भेजना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये सब एड्रेस लिखेगा, इधर में अपना एड्रेस लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद ये जो छोटा वाला लिफाफा है इसके अंदर में ऐसे डाल दीजिएगा, इसी लिफाफा में एडमिट कार्ड डालिएगा और सारा डॉक्यूमेंट इस लिफाफा में डालिएगा, चाहे मार्कशीट हो और चाहे आधार कार्ड हो, सब इसमें डालिएगा। फॉर्म वॉरम इसमें केवल एडमिट कार्ड डाल करके इसके अंदर में डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, अब बात करेंगे दो लिफाफा भी कंप्लीट। अब 10th का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, देखिए क्लास 10वीं का मार्कशीट आपके पास में हो या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, देखिए मार्कशीट है, इसमें अपना सिग्नेचर कीजिए सेल्फ अटेस्टेड लिख करके, अपना साइन, सबका अपना साइन होना चाहिए, सारे हर एक डॉक्यूमेंट में अपना अपना साइन कीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं, अगर आपके पास में वो है तो उसको भी आप जीरोक्स करके उसमें अपना साइन करके उसको डाल दीजिए। उसके बाद 9वां नंबर में आचरण प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपके स्कूल से मिला होगा, क्लास 10वीं का अगर स्टूडेंट हो गए तो वो मिला होगा स्कूल से, अगर नहीं है तो आप मुखिया से या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर से, जिसमें आपका फोटो लगा होना चाहिए, बिना फोटो का आचरण प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, तो आप इसको बनवाइए, यहाँ पर अपना खुद का साइन कीजिए, सेल्फ अटेस्टेड लिख करके अपना साइन कीजिएगा और ये आपको साथ में लगाना है। ये आचरण प्रमाण पत्र हो गया। अब स्लेट वाला फोटो, देखिए स्लेट वाला फोटो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए ये स्लेट का फोटो है, एक आप अपने से अपना फोटो पकड़ लीजिएगा, सॉरी अपना स्लेट पकड़िएगा, स्लेट में आपको अपना नाम लिखना है, अपना नाम और फोटो खिंचाने का डेट, अक्टूबर में फॉर्म भरा रहा तो कोशिश कीजिए कि अक्टूबर का ही डेट डालिए, क्योंकि 3 महीने के अंदर का रखना है, तो अक्टूबर का रखिएगा तो आगे और भी अगर कोई फॉर्म आएगा तो उसमें आपका ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो हो गया। उसके बाद स्किल या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये जरूरी नहीं है, 11वां नंबर ये जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए होटल मैनेजमेंट का या फिर हाउसकीपिंग का कोई कोर्स वगैरह आपने किया हुआ है, किसी में भी हॉस्पिटलिटी में या हाउसकीपिंग में, दर्जी मोची का अगर आपने कोई कोर्स वगैरह कहीं से किया हुआ तो वो आप लगाइएगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा सा आपको औरों के मुकाबले वेटेज मिलेगा, तो उसका आपका चांस भी बनेगा, तो स्किल एक्सपीरियंस में वो आप लगा सकते हैं, उसका जीरोक्स वगैरह वो फॉर्म में भी आपसे मांगा गया है, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है कहीं काम वगैरह किए हुए तो आप दे सकते हैं। तो मतलब ये 10 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ये 10 डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए। अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, फॉर्म वगैरह सब कुछ कर लिए हैं, अब भेजना कहाँ है। देखिए अगर आप हॉस्पिटलिटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए देखिए 2 एड्रेस आपको दिया गया है। पहला एड्रेस है प्रेसिडेंट CASB एयरफोर्स कैंप नारायणा ब्रार स्क्वायर दिल्ली कैंट 11010, ये पहला एड्रेस है, ठीक है। प्रेसिडेंट CASB एयरफोर्स कैंप नारायणा ब्रार स्क्वायर दिल्ली कैंट 11010, यहाँ पर भेज सकते हैं, या फिर अगर आप इस पर नहीं भेजना चाहें आप यहाँ भी भेज सकते हैं, 2 ऑप्शन है हॉस्पिटलिटी के लिए, ध्यान दीजिएगा 2 ही जगह आपको भेजना है, पोस्ट ऑफिस से मैं बता रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस वाले जो कहीं दूर से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, और आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, नॉर्मल पोस्ट करना है, जी हाँ नॉर्मल पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा एड्रेस है एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली मुस्तफ़ा केमाल अतुरुक्त मार्ग रेस कोर्स न्यू दिल्ली 11003, यहाँ पर आपको भेज देना है, ये 2 एड्रेस है, यहाँ पर हॉस्पिटलिटी वाले भेजेंगे केवल, ठीक है। अब
तीसरा है हाउसकीपिंग का। हाउसकीपिंग में अगर आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे दो दर्जी मोची नाई वाले जो भी आवेदन करेंगे हाउसकीपिंग में, फॉर्म में आपको हाउसकीपिंग ही लिखना है, दर्जी मोची नहीं लिखना है। उनके लिए तीन एड्रेस दिया गया है, इस तीन एड्रेस पे भेज सकते हैं। पहला है एयर ऑफिसर कमांडिंग AFRO सुब्रतो पार्क हेडक्वार्टर वॉल न्यू दिल्ली 11010, यहाँ पर आप भेज सकते हैं पहला एड्रेस। दूसरा एड्रेस है एयर ऑफिसर कमांडिंग AFCME सुब्रतो पार्क हेडक्वार्टर WAC न्यू दिल्ली 11010, यहाँ पर भी भेज सकते हैं हाउसकीपिंग वाले। तीसरा है एयर ऑफिसर कमांडिंग AFCAO सुब्रतो पार्क हेड HQ WAC न्यू दिल्ली 11010, ये तीन एड्रेस पे आप भेज सकते हो। और एक एड्रेस और आपको एक्स्ट्रा दिया गया है हाउसकीपिंग के लिए। हाउसकीपिंग में ये तीन एड्रेस है, इसके साथ साथ आप पहले वाला जो एड्रेस है यहाँ पर भी हाउसकीपिंग वाले भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हाउसकीपिंग वाले आप अपना आवेदन भेज सकते हैं ये वाला एड्रेस पे, पहले वाले एड्रेस पे। मतलब ये वाला जो एड्रेस है ये दोनों के लिए है, आप हॉस्पिटैलिटी में भी कीजिएगा तो भी यहाँ भेज सकते हैं, अगर आप हाउसकीपिंग में भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। और देखिए एक ऑप्शन और आपको दिया गया होगा, अगर आप नोटिफिकेशन में देखे होंगे तो उसमें ड्रॉप बॉक्स करके दिया गया होगा, तो नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप नोटिफिकेशन देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। ये ड्रॉप बॉक्स है, ये जगह बनाया गया है, यहाँ पर आप अपना पूरा फॉर्म भर करके जाएंगे, वहाँ पर बॉक्स होगा उसमें आपको गिरा देना है। तो अब आपको वहाँ पर जाना बेटर लगेगा या पोस्ट ऑफिस से यहाँ भेजना अच्छा लगेगा, ये आपको अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना है, जहाँ आपको सुविधा लगे। अगर आप दूर के हैं, मान लीजिए अभी आप झारखंड में हैं, बिहार में, तो दिल्ली में भी डालने तो जाइएगा नहीं भाई, पैसा भी खर्चा होगा। आप पोस्ट ऑफिस का उपयोग कीजिए, नॉर्मल पोस्ट कीजिए, स्पीड पोस्ट मत कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि A to Z जेन्युइन भर्ती और कोई फेक नहीं, एकदम जेन्युइन भर्ती हमारे चैनल पर दी जाती है। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय।